यूपी के बलिया के रहने वाले पत्रकार रतन सिंह सोमवार शाम अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर गोली दाग दी। चश्मदीदों के मुताबिक जान बचाने के लिए रतन ग्राम प्रधान के घर में घुस गए, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक एक कर तीन गोलियां रतन पर दाग दी, जिससे रतन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में पता लगा है कि मामला दो पक्षों के बीच जमीन विवाद का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले रतन का उनके पटेदारों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, तब उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। रतन सिंह फिफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है, ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर उनके घर के क्या घटना हुई सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे ये पता चलता है कि पूर्व में इनके पटेदारों से कुछ विवाद था, उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पत्रकार के परिजन को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।